न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। पाकिस्तान इस मैच में करीब भी जा सकता था और पाकिस्तान इस मैच को जीत भी सकता था, लेकिन रह रहे हमारे साथ एशिया कप से लेके अभी तक ये टाइम आ गया कि हम तो मैच जीत ही नहीं पा रहे, हमें खुशी का मौका मिल ही नहीं रहा, ये कब से हमारा रोना बना हुआ है। आज के अगर मैच की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, गंदी फील्डिंग, गंदी बॉलिंग और सबसे बड़ी चीज के बैटिंग तो फिर बेहतर कर ली, बट फील्डिंग जो गंदी चल रही ना ये अखीर है, या मतलब कि ये बहुत बुरी चीज है। आप वर्ल्ड कप ऐसे नहीं खेल सकते इतनी गंदी फील्डिंग से। ऊपर सोने पे सुहागा, आपके विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान, पता नहीं वो उनके लिए इतनी उनकी डिमांड होती है, इतनी सोशल मीडिया के ऊपर होती है और जब उनको चांस मिलता है तो फिर खैर अब इनको चांस दे, आजम खान को आप अगले दो मैच में भी चांस दे, इसको दे दो तीन मैच में चांस मिलना चाहिए ताकि ना पता चले लोगों को, यकीन करें कि एक तो थ्रो आती विकेट कीपर के पास उसे वो पकड़ी नहीं जाती, फिर दूसरे चांसेस भी आए जो कि डाइव मार के वो कर सकता जो हुए नहीं। खैर आजम खान ही, आपकी फील्डिंग भी बड़ी गंदी रही है आज। बाबर आजम ने कैच छोड़ा, इफ्तिखार अहमद ने छोड़ा, इसके अलावा आप लोगों ने सिंगल को डबल करवाया और वैसे भी फील्डिंग सही तरीके से पकड़ी नहीं बॉल। मोस्टली जो सिंगल्स थे ना वो डबल्स हुए आजम खान की वजह से, कुछ जो थ्रोस थी वो उससे पकड़ी नहीं जाती थी, थोड़ी दूर होती थी, डाई नहीं ऑब्वियसली अब हेल्दी है डाई तो नहीं मारी जाती तो वो भी कुछ नहीं पकड़ी जाती थी, कुछ फील्डिंग भी ऐसी इतनी घटिया फील्डिंग की है, कैचेस इतने ड्रॉप किए, ये कैचेस ड्रॉप का सिलसिला तो बड़े अरसे से चलता ही आ रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा। मुझे नहीं याद पड़ रहा लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा मैच खेला था वर्ल्ड कप कैच का ड्रॉप किया हो। और सबसे अच्छी चीज जो हमने देखी वो ये थी, सबसे अच्छी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो शादाब खान हाफ पिच बॉलिंग कर रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, उसामा मीर भी वही तो कर रहा है हाफ पिच, भाई लेग स्पिनर उसका मतलब ये तो नहीं ना बीच पिच के ऊपर बॉल तो मार पड़ेगी। बॉलिंग इतनी गंदी की है ना, पाकिस्तान ने 226 खाया है, आमिर जमाल को 57 पड़ गया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया न्यूजीलैंड ने, ये पर होगा इनके साथ। लेकिन आज के मैच की बात करें तो अब्दुल्ला भाई फिर कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको, क्या हुआ यार? घटिया तरीन परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर शुरू किया जाए ना बॉलिंग पे, तो शाहीन शाह साहब ने जो 24 स्कोर खाया ना माशाला एक ओवर में, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है 24 स्कोर। मैं दे रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, मैं कह रहा हूँ यार इतना भी तो बंदा नाना खाए एक 24 स्कोर आप खाए। मुझे उसकी कैप्टनसी बड़ी घटिया लगी है, आप यकीन करें मुझे लग ही नहीं था रहा कि कोई ग्राउंड में ना कोई पिच पे कोई कैप्टन पाकिस्तान की तरफ से खड़ा हुआ है, इतनी घटिया कैप्टनसी थी उसकी, मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। जहां तक बात है फील्डिंग की, तो वाकई बाबर ने भी कैच छोड़ा, इफ्तिखार ने भी कैचेस छोड़े हैं आज, फील्डिंग बहुत घटिया रही है। और सबसे बढ़ के जो एक बात है ना, मैंने आज एक चीज नोट किया है कि आजम खान की तरफ जब ना आप थ्रो करते हैं ना, थोड़ी सी थ्रो दूर होती थी ना उसे नहीं पकड़ी जाती थी, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो कसूर उसका भी नहीं है, वो हेल्दी है, वो किस तरह टाइम मार के बॉल पकड़ेगा, जिसकी वजह से वो डबल होते थे। फिर एक और चीज, मैं एक और चीज नोट, जब आजम खान और बाबर आजम खेल रहे हैं मैंने तब भी नोट किया है, तब बाउंड्रीज पे जब चौके रुके हैं, बाउंड्रीज पे चौके रुके हैं, फिर वहां पे जो फील्डर दोबारा खड़ा होता है उसको बॉल फेंकने में टाइम थोड़ा लगता है, आप डबल ले सकते हैं, आप सिंगल ही ले रहे थे। मैंने ये भी चीज देखी है जी, आजम खान की वजह से बाबर को भी एक सिंगल ही से ही गुजारा करना पड़ रहा था। और आप देखें आजम खान को क्यों खिलाया गया, उस एक चीज पावर हिटिंग की वजह से, इस तरह के मैचेस आके जो है वो पावर हिटिंग करके नहीं है। देखें आपने, आपको यही मौके मिलने हैं, आपको अगर इस तरह के मैच ही आपने आके चले ना जिताए, क्लोज तो करें कम से कम आप 50 कर लो अपनी, 30-35 तो करो, थोड़ा हिटिंग करो, पता लगे जी जान है दम है बल्ले में, लेकिन वो भी आपने नहीं की। इतना बड़ा एक रीजन है कि जी आप ओवरवेट हैं, एक्स्ट्रा हेल्दी हैं, लेकिन आपको उस पीसीबी ने इग्नोर किया है, सिलेक्शन कमेटी ने इग्नोर किया, हर किसी ने इग्नोर किया, आपके चीफ सेलेक्टर कहते जी फिटनेस हमारे लिए फिलहाल कोई इशू नहीं है। यार क्यों नहीं है इशू? अच्छा विलियमसन का कैच नहीं देखा, वो अगर वो होता तो विलियमसन ने जो बैक पीछे हाँ जी वो जो उसने खेली है शॉट, मैं डेफिनेटली 100% कह सकता हूँ अगर रिजवान होता ना वो कैच होता, बिल्कुल इतना भी कुछ दूर नहीं था बॉल, उसे तो एफर्ट ही नहीं यार, उसे हिलने नहीं जाना था क्योंकि फिटनेस की वजह से जो ऑब्वियसली उसे हिलने नहीं जाना था। एक जो फुर्तीला इंसान है रिजवान, मैं कहता हूँ कि रिजवान की लेवल की, कोहली के लेवल की फिटनेस है रिजवान की, बिल्कुल पाकिस्तानी टीम में अगर जो सबसे ज्यादा फिट है ना वो रिजवान है, वो डबल ट्रिपल जितने रन हो रहा है बड़ी तेज लेता है और उस कीपरिंग की वजह से वो ओवर स्मार्ट है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये गलती है, और लेकिन एक इशू ये भी, अगर आपने आजम खान को खिलाना है
तो आप फील्डिंग भी नहीं करवा सकते। तो बहुत बड़ा मसला है और पता नहीं क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है। खैर मैं तो कहूंगा अगले दो मैच सबका मुंह बंद दो। और यही बात मैं आप बात करेंगे इस मैच की रिपोर्ट के ऊपर। देखिए फील्डिंग आपने गंदी की, बॉलिंग गंदी की, लेकिन फिर भी आपको साइम अयूब लड़के ने स्टार्ट ऐसा दे दिया था कि आप इस मैच में कर सकते थे। साइम अयूब यार बड़ा अच्छा खेला। रिजवान ने भी अच्छी खेली, वो आउट हो गया। बाबर ने भी अच्छा खेला, बाबर का स्ट्राइकर 162 का था। शुक्र है भाई बाबर का भी 162 का था। शुरू में वो स्लो था लेकिन उसकी वजह सही थी, वो एक एंड संभाल के बैठा हुआ था, एंकर रोल इसको कहते होते हैं। उसने सही रोल प्ले किया, एंड पे वो तेज हुआ, लेकिन जहां से उसका साथ देना था फकर जमान को, इफ्तिकार अहमद को, आजम खान को, ये तीनों के तीनों चलते बने। इफ्तिकार खड़ा हुआ लेकिन वो भी चला गया, तो ये बड़ा जरूरी था। गंदा आउट हुआ यार है। हाँ। सीधा हाथ में, बल्कि मोस्टली हाथों में कैच। एक और चीज आप देखें कि आजम खान को बाउंसर पे बाउंसर आ रहा है, बाबर को भी बाउंसर आए हैं, सामने खेल रहे हैं। अब बाउंसर आ रहे हैं, आप कोई उसको इग्नोर कर दें या फिर आपने जो जिस किसी और के, आप उसको ना यानी कि मार सामने मारने के चक्करों में है। शाहिनशाह अफरीदी भी ऐसे ही आउट हुआ है, फिर आपका आजम खान भी देखे बाउंसर भी आउट हुआ है, छोटे बाउंसर में मारना चाह रहे थे ना। बाउंसर पे तीन आउट तो आपने करा लिए, तीन चार आउट तो कहने की बात ही है। अच्छा आज आमिर जमाल ने विकेट तो निकाली लेकिन नो बॉल था, वो नो बॉल। अच्छा वो आप छोरे उसको मार कितनी पड़ी है? हाँ, 19 आखिरी दो ओवर में शाहीन को 24 पर आए। शाहीन को तो सही उसने अपडेट किया ना। शाहीन की आप कैप्टनसी का लेवल देखें, कैप्टन भी है, ऊपर से बॉलिंग का लेवल देखें। पहला ओवर किया अच्छा किया, एक विकेट ली, एक रन दिया, पेस फीड भी बड़ी गंदी थी। हाँ। कोई पेस नहीं थी। उसके बाद हारिस ने दूसरा ओवर किया, तीसरा ओवर जो शाहीन करने आया है अभी विकेट लेके गया हुआ है भाई, छक्का पर है, चलो जी ठीक है, चौका पर है। उसने क्या किया, उसने 6 की 6 बोले एक ही जगह पे दे दी, एक ही जगह भाई। तू वाइड यॉर्कर दे दे, बाउंसर मार दे, सामने उसको दे जा रहा है कि वो मिस करे विकेट उसकी। वही ना, आप ये जो अफरीदी टाइप के लोग होते हैं ना, ये पठान ये ऐसी है, ये शायद अफरीदी को भी याद होगा, वो आता था उसको मारने की जल्दी खेलने की पड़ी होती। लेकिन वो बॉलिंग में तो सही था, आगे देखता था ना, बॉलिंग वो अच्छी करता था। यही है, देखें कैप्टन को ना कूल माइंडेड होना चाहिए कैप्टन। मैं इसलिए कहता होता हूँ कि कैप्टन रिजवान को बनना चाहिए। सेम गलती शाहीन वो वाली कर रहा था, मैथ्यू वेड के अगेंस्ट जो की थी, एक ही जगह पे बॉल दिए जा रहा वो छक्के मारे जा रहा था। शाहीन को 24 पड़ गया तीसरे ओवर के अंदर, सारा वहां से किस्सा खराब हो गया। फिर आपने पहला ओवर जो हारिस रोफ से दूसरा ओवर करा, उसके बाद चौथे ओवर हारिस रोफ से करवाना चाहिए था, आमिर जमाल को लेकर आगे। हारिस रोफ ने अच्छा ओवर निकाला था वो वाला, तो उसको लेकर आगे। हारिस रोफ ने भी आज कतरे दर्जे बेहतर बॉलिंग की है। अब्बास अफरीदी ने बड़ा इंप्रेस किया, अच्छी बॉलिंग की है। जो एंड के ओवर कराया ना एक, वो बड़ा अच्छा करा। हाँ बिल्कुल अच्छा ओवर करवाया उसको, मार्क चैपमैन ने छक्का मार दिया, लेकिन वो ओवर अच्छा था। लेकिन बात वही आती है कि आपका चौथा पांचवा छठा जो था ना बल्लेबाज, उनमें से कोई दो भी 40-40 कट जाते आपने मैच जीत जाना था, लेकिन वो हुआ नहीं। आजम खान ही अगर थोड़ा देखिए, हमारे पास 12 बॉले पड़ी हुई थी, हम ऑल आउट हो गए। अगर बाबर एक एंड में खड़ा भी रहता ना तो पाकिस्तान एक, देखें जब बाबर आउट हुआ है ना उससे एक बॉल पहले, मैं जब स्कोर देख रहा हूँ तो जो डिफरेंस था ना वो डबल था। हाँ। उससे पहले डिफरेंस रहा ट्रिपल के करीब करीब था, अब वो डबल हो गया था। तो अगर एक हमारा बैट्समैन साथ खड़ा रहता है, बाबर भी खड़ा रहता, आमिर जमाल खड़ा रहता, इस तरह सीन क्लोज जरूर जा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहता था कि क्लोज जाता मैच। सही बात है, बाबर भी गलत टाइम पे आउट हो, बाबर को मौका मिला था, बाबर फिनिश करके अपना जैसा कहते हैं ना बता देता अपनी वैल्यू। बट लेकिन चले कतरे बेहतर वो इनिंग खेला है, बाबर की फॉर्म वापस है, हम तो इसी में खुश हैं। एटलीस्ट 50 तो आई ना बाबर की, इतने अरसे बाद देखिए, वर्ल्ड कप के बाद अब आई है, पूरा टेस्ट वोर्ड निकल गया, T20 में आ गया। अब देखे ना, अब ये बातें कर रहे थे 30-30 मैचेस में बाबर को रेस्ट देंगे, अब इनकी हिम्मत नहीं होगी रेस्ट देने की, क्योंकि इनको पता है बाबर के बगैर टीम क्या है। नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बाबर को रेस्ट देंगे, खिलाएंगे फकर जमान को वन डाउन पे, पीछे किस बल्लेबाज को खिलाओगे, एकदम ऐसी लाइन लगनी है ना। लेकिन मैं स्टिल समझता फकर जमान बेचारा चौथी पोजीशन पे ना फंस गया। नहीं नहीं, फकर जमान के लिए पोजीशन मुझे नहीं लगता कि बनती नहीं है, वो ओपनिंग करवा ले, रिजवान को चौथी पे ले आए, फिर मुसीबत है। हाँ। ये बड़ा बड़ा पाकिस्तान फंस चुका हुआ है। अब ये फकर जमान बेचारा बलि का बकरा बना है, उसको परफॉर्मेंस तेज खेलना पड़ेगा, उसको टाइम नहीं मिलना सेट होने का। पावर प्ले में हिटिंग करता होता था, लेकिन वो खुश है तो अच्छा प्लेयर वही होता जो हर पोजीशन में खेलने के लिए तैयार हो। लेकिन मैनेजमेंट गलत है यहाँ, मैनेजमेंट को चाहिए उस हर प्लेयर को वहीं पे खिलाए जहाँ बनता है उसका। साइम अयूब और मुझे लगता है कि देखें कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था ना बाबर, या तो आप बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन ओपनिंग पे वही चलाएं, या फिर आप साइम अयूब और इसको फखर जमान को लेके आए,
नहीं मुझे लगता है कि ना साइम अयूब जो है ना वो ओपनिंग हमें ऐसा चाहिए, ओपनर ऐसा चाहिए, बड़ा अच्छा ओपनर जो ऐसे तगड़ा। देखिए इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन हम इसको बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं। ये जो लड़का ये ऐसे ही खेलता है, सीपीएल के अंदर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बना, 2 का फासला था, पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इस प्लेयर की यही पोजीशन है और इसको पावर प्ले में खेलना पसंद है। और जिस किस्म की इसने शॉट्स मारी है ये बड़ा, ये आपने कहा सामने टेस्ट भी खेला है, स्टार्ट को भी पड़ गया था। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट एक ओपनिंग प्लेयर था रिजवान और बाबर का, वो टूटा है तो उसकी वजह है इस प्लेयर के लिए, ठीक है। साइम अयूब के लिए वो प्लेयर तोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि साइम अयूब को वाकई प्रूव करना चाहिए। अब्दुल्ला भाई बात बताऊं क्या, देखिए ये जो फिर भी हमारा रिजवान और बाबर एक टाइम पे आ जाएंगे साथ, क्योंकि आप देखिए साइम अयूब के तेज खेलता है, रिजवान भी तेज खेलेगा, उसको भी पता चल गया है। इन दोनों में से किसी एक ने जल्दी आउट होना ही होना है, तो बाबर का ऐसा ओपनर ही काम बन जाएगा। लेकिन ये होगा कि अच्छा स्टार्ट तेज मिल जाया करेगा, अगर बाबर इस पोजिशन पे आके भी रन करता रहता है तो फिर भी पाकिस्तान का ही फायदा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम को ना मैच फिनिशिंग की तरफ लेके जाना चाहिए, बाबर आजम मैच को फिनिश कर ले। हमने स्कोर भी बड़ा खाया है, बहुत ज्यादा है, देखिए ये 200 होता ना पाकिस्तान ने, 210 215 भी चलो ठीक है यार, बहुत स्कोर खा गए यार, इतना स्कोर तो बनता ही नहीं था खाना, ये इतना बनता ही नहीं था। 10 ओवरों में मेरा ख्याल है 130 स्कोर था शायद, बड़ी 120-30 स्कोर, गंदी बॉलिंग की है वही ना, स्कोर आपने बड़ा खा लिया, ये बड़ा बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग की, जिसकी वजह से आज हम मैच आ रहे। मैं तो खुद कह रहा था कि 195 होना चाहिए था, 200 भी होता तो सही था, पाकिस्तान ने जीत जाना था। बट अगेन बात यही है कि आप 226 का करके आप बल्लेबाजी को नहीं कह सकते कि उनकी वजह से हम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जो क्रिकेट का लेवल चल रहा है, हमने इंडिया के अंदर देखा 200 प्लस रन चेज हो रहे थे, बिल्कुल ऐसी है बोली थी, जो क्रिकेट का लेवल चल रहा है, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का हमने देखा, टी20 क्रिकेट 200 वाली है, तो ये तो पाकिस्तान को अब मस्ट हो गया, पाकिस्तान को अब अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव करना पड़ना है। न्यूजीलैंड ने उस स्पॉट पे फील्डिंग बड़ी अच्छी की, देखा है आदम खान और बाबर आजम ने बड़ी कोशिश की वहां मारने की, चौका मारने की नहीं हुआ, पीछे भी मारने की कोशिश की लेकिन वहां पे भी नहीं हुआ, तो फील्डिंग आज न्यूजीलैंड ने बड़ी। और आप कैच देखे विलियमसन के, कैच देखे आपने, फील्डिंग से ही तो मैच जीते जाते हैं यार, आप अगर फील्डिंग अच्छी कर लेते, आप कैचेस ही पकड़ लेते, जिस स्कोर मैं देखता हूँ 190 से ऊपर कैसे जाता। विलियमसन 14 महीने के बाद T20 खेल रहे थे, व्हाट अ कमबैक, लेकिन उसका एक रोल होता है, वो एक तरह का बैकबोन बना होता देखो, है वो जो बात हाँ, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मिचेल उसके साथ खड़ा हुआ, उसके रन की वैल्यू होगी। अब बाबर के साथ ये वाला भी खेल, जब बाबर आजम खेल रहा था, फकर धवन जब सेंचुरी मारी थी, उसमें पता चल गया था ना बाबर आजम एक एंड संभाल के बैठा हुआ, ये चीज बड़ी मैटर करती है। खैर ये जो हार है इसकी तो जिम्मेदारी फील्डिंग और बॉलिंग को ही जाती है, लेकिन फिर भी अगले 4 मैचेस आई होप के पाकिस्तान अच्छे तरीके से खेले और अब इसको फाइटिंग बनाए। मेरी तो 3-2 की प्रेडिक्शन है न्यूजीलैंड, 3-2 की आपकी न्यूजीलैंड, 3-2 आपकी क्या प्रेडिक्शन है यार? देखें जिस तरह आज परफॉर्म किया ना, मुझे लगता है कि अगर आजम खान को बिठाए, लेकिन मुझे लगता है 3 मैच जरूर खिलाएंगे, और अगर फील्डिंग बेहतर हो जाए मुझे उम्मीद है कि सीरीज पाकिस्तान जीतेगा, सीरीज जीत जाएगा, 3-2 ही कर ले, 3-2 आपने पाकिस्तान का, मेरा न्यूजीलैंड, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता आज के दिन का तो खेल खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।